और उन्होंने जो कहा है आप सुनकर आपका भी मतलब मैं दहल गई। उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा शहनाज का रो रो के बुरा हाल है, उसने कहा पापा उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा है, मेरे हाथों में उस दुनिया को छोड़ कर गया, अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जीऊंगी, और तमाम बातें उन्होंने मुझे बताई, बात करूंगी इस वीडियो में। तो शहनाज के पापा से मैंने बात की, संतोष सिंह सुख जी से, उन्होंने बताया कि शहनाज को मैंने फोन किया, शहनाज का रो रो के बुरा हाल है, हम सब शहबाज निकल चुका है मुंबई के लिए, और शहनाज सुबह उस वो उठाने गई, नॉर्मली उठाने गई तो वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसकी उसने अपनी गोदी में उसको ऐसे पकड़ कर रखा और उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसकी मम्मी वगैरह सबको बुलाया, वो लोग आए, यानी शहनाज वहाँ पर थी और शहनाज के हाथों में सिद्धार्थ शुक्ला ने दम तोड़ा है, ये कह के उनके पापा की आवाज कप कप आ गई। उन्होंने कहा मेरी बेटी पागल हो गई, कैसे जिएगी वो, कैसे रहेगी, अब तक हम लोग निश्चिंत थे, वो बॉम्बे में अकेली थी, मुझे कभी नहीं लगा मेरी बेटी अकेली है, क्योंकि सिद्धार्थ पूरे परिवार एक पूरी फैमिली की तरफ से ख्याल रखता था, कभी किसी चीज की उसे तकलीफ नहीं होने दी, कभी किसी चीज की का स्ट्रेस नहीं होता, सिद्धार्थ था तो हमें लगता था कि शहनाज का फैमिली बॉम्बे में है, हमें कभी नहीं लगा कि हमारी बेटी वहां पर है, अब वो कैसे जिएगी। शहनाज ने ये कहा अपने पापा से कि पापा वो तो चला गया, थोड़ी देर में उसे, ये शब्द उन्होंने मुझसे कहेंगे, थोड़ी देर में उसे जला देंगे, वो नहीं रहेगा, मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना। और ये शहनाज जो एक ऐसा शब्द था जिससे हम सभी ने बहुत प्यार किया था, हम सभी ने उसे बहुत शिद्दत से प्यार किया था, क्योंकि कुछ तो उन दोनों में ऐसा था जो हम सभी के बीच से किसी चीज को जोड़ता था, और इसीलिए हम लोग उसे कनेक्ट हुए थे, उन दोनों से कनेक्ट हुए थे। और आज शहनाज में से सिर चला गया है और सिर्फ नाज बची है, और उसके हाथों में शहनाज ने, सिद्धार्थ ने दम तोड़ा, ये मतलब प्यार की इंतहा है वाकई, उस प्यार को जिसको इन्होंने पब्लिकली ना एक्सेप्ट करते हुए भी इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था, आज उसे शहनाज के हाथों में सिद्धार्थ ने अपनी आखिरी सांस ली, हालांकि उनका पूरा परिवार वहां था, उनकी मम्मी उसी बिल्डिंग में रहती है, बहन उसी बिल्डिंग में रहती है, लोग आसपास में ही रहते हैं, सब लोग सारा परिवार वहीं पर था, सब लोग इकट्ठे हो गए, सबके सामने उन्होंने दम तोड़ा और शहनाज की गोद में उन्होंने दम तोड़ा। ये एक ऐसा हादसा जिस शहनाज जिंदगी भर नहीं भुला पाई, क्योंकि सिद्धार्थ वो शख्स था जिसे उसने जी भर के जी तोड़ के प्यार किया, सिद्धार्थ ने उसे प्यार किया, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे, दोनों में कोई गुण सेम नहीं थे, एक बिल्कुल अलग सोच का, एक बिल्कुल अलग सोच की, लेकिन उनका रिश्ता कुछ ऐसा बना कि तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए उनका रिश्ता सबसे ऊपर चला गया, सबसे ऊपर पहुंच गया। और आज उस रिश्ते की इंतहा देखिए कि उसका जाना लिखा हुआ था।